तो हेलो एंड वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉक्सवैगन की एमयू 2016 से 19 में आती थी ये गाड़ी, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हुई थी। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है यार, क्योंकि मैं चला रहा हूँ इसको, आई थिंक 5 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देख लेते हैं इसका इंजन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं इंजन में, कौन सा वेरियंट है इसका, सब कुछ समझा हम देखते हैं विद इन अ सेकेंड। गलत थर्ड दिखा दी यार, थर्ड नहीं दिखाना था मैं, आवाज़ अच्छी है। देखो बात करें इंजन की तो इसमें आता है जी 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। जो पावर की बात करें उसमें आता है 73 bhp और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इंसुलेशन नहीं है इसमें एज सच कुछ, बस बाकी इसमें वाइब्रेशन वाइब्रेशन होती है। देखो स्टार्ट करती है बिल्कुल ही मतलब 3 सिलेंडर इंजन, बता देते कि भैया मैं हूँ 3 सिलेंडर इंजन, ठीक है। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी अपनी ये अंडर 4 मीटर में आती है, तो कॉम्पैक्ट सेडान में आ जाती है अपनी इसकी कैटेगरी। गाड़ी दिखने में ठीक है, आगे से पता नहीं चलता भाई वेंटो है एमयू है पोलो है, ठीक है। तीनों आगे का थोपड़ा इनका तीनों का सेम है, और अगर आप पोलो में 100 ग्राम की डिक्की लगा दें तो वो हो जाती है एमयू की साइड प्रोफाइल। तो अब अपन बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे दिया फॉक्सवैगन का बड़ा सा लोगो, जो अप्रॉक्सीमेटली शायद 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क और प्रोड्यूस कराने में हेल्प कर देता है। बाकी बूट की बात करें तो बूट इसमें आता है जी अपना 330 लीटर का, जिसमें मेरे ख्याल से 2 बैग बड़े आ जाते हैं और एक छोटा बैग आ जाता है। अभी करंटली इसमें हमने अपना सब वूफर रखवाया हुआ है, पायनियर 306 आई थिंक डबल कॉयल का होता है जो भी है। बाकी धमक के लिए हमने लगवा रखा है, बूट इसका अच्छा खासा खुल जाता है तो आराम से बैग आ जाते हैं। थर्ड सुन रहे हो यार, और ये अपनी गाड़ी की टेल लाइट है, थोड़ी पोलो जैसा लुक है इसमें। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट हमने कराया आफ्टर मार्केट, क्योंकि भैया बेस मॉडल थी इसमें कुछ नहीं दिया था इंजन के अलावा, और का ही लगा लो। और ये जो अपने टायर 185/70R14 है इसमें, तो ज़रा देख लेते हैं गाड़ी का रियर पैसेंजर साइड। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, इससे तो 4 आर्म बन सकते हैं हमारे, ये निंजा टेक्निक 4 आर्म बनाने की बाय फॉक्सवैगन इंडिया। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं पीछे की सीट्स की। पीछे के सीट्स तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है इसका, मतलब थोड़ा बहुत है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट इसका कंफर्टेबल, लॉन्ग जर्नीज के लिए मसूरी आगरा अपन गए इस गाड़ी में। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है, यहाँ पे देखिए जिस स्पीड से ये जा रहा है, थोड़ी सी अच्छे से क्वालिटी और कर सकते थे, बट ठीक है। सीट की बात करें तो सीट एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल है। चलिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ पीछे, बाकी बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है, कॉस्ट कटिंग ही कहेंगे इसमें और तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी पीछे कोई डिफॉगर या वाइपर तो नहीं दिया जाता बेस मॉडल जैसे गाड़ी। और ये है आगे का व्यू जो हमें पीछे की सीट से आता है। आज की डेट में ये व्यू आउटडेटेड हो गया, क्योंकि 6 साल पुरानी अप्रॉक्स गाड़ी हो गई है। बात करें इसके फ्रंट पैसेंजर डोर के रिगार्डिंग, तो इसका डोर अच्छा खासा खुल जाता है, 70-80 डिग्री होगा ये। बाकी थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट है अपनी गाड़ी में, तो यहाँ पे डोर हैंडल पे 1 लीटर की बॉटल की स्पेस है यहाँ पे, विच इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि एज कम्पेयर टू आजकल की गाड़ियों में नहीं आता बहुत सारी में। तो अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स तो इसका अच्छा खासा है यार। अगर मैं एक बार खोल के दूँ, एक सेकंड, पूरी अलमारी की तरह है यार, इसमें बहुत सामान आ जाता, हमने भी बहुत सामान इसमें भरा हुआ है। बाकी इसमें गाड़ी इज क्वाइट गुड, इसका हार्ड प्लास्टिक है ये देखिए, बट हाँ अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं लगता है कि हाँ भाई चलो सॉलिड है चीज़। वैनिटी मिरर इसका काफ़ी बड़ा है, अगर इसमें लाइट होती तो और बेटर होता है यहाँ पे। और ये इसकी कैबिन लाइट ये हमने चेंज करा के हैलोजन थी इसकी वही अपनी येलो वाली, और ये अपना मैनुअली एडजस्टेबल IRVM। बाकी ये इसका इंफोटेनमेंट जो हमने बाहर से लगवाया है, आई थिंक मेगा सोनी या हाइपरसोनिक किसी कंपनी का था ये। बाकी इसमें फॉक्सवैगन का लोगो लगा के थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम आता है इसमें लुक। बाकी ये इसका मैनुअली पूरा AC, ये एक और अलमारी है भैया इसमें, टेक्निकली तो इसमें 2 कप होल्डर की जगह है और काफ़ी स्पेस है इसमें। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके MID के बारे में, विच इज़ OG फॉक्सवैगन भाई। इसमें अपना आता है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, टाइम, टेम्परेचर और फ्यूल मीटर। अब जैसे जर्मन गाड़ी है तो इसका इंडिकेटर लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और इसके वाइपर अपने राइट साइड पे होते हैं। शुरू शुरू में काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है, बट धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग में हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो हम दोनों तरीके से अपने स्टेयरिंग एडजस्ट करते हैं। ये नॉब है जिससे अपने स्टेयरिंग एडजस्ट हो जाता है, और यहाँ से अपने लाइट कंट्रोल्स आ गए, अपने हेडलैम्प फॉग लैम्प और रियर फॉग लैम्प का है, और इधर अपना ये हेडलैम्प लेवलर है जो 3-2-1-0 पॉइंट देता है डिस्टेंस हेडलैम्प्स का। ये अपना रिवर्स प्रेस डाउन करके आगे की तरफ लगता है, जिसमें हमने अपना आफ्टर मार्केट कैमरा इंस्टॉल कराया था। बात करें गाड़ी की पावर की, तो अभी गाड़ी चल रही है, इसको हम एक बार लॉन्च करके देखते हैं भाई लॉन्च करना। अरे भाई व्हील्स में देख रहे हो यार गाड़ी की पावर भाई, देयर इज अ रीज़न जिसलिए कहते हैं इट्स नॉट अ फॉक्सवैगन, इट्स नॉट अ फॉक्सवैगन।